नमस्कार। नवरात्रि आने वाली है और अभी हम गोरखपुर शहर में खड़े हुए हैं और जगह जगह दुर्गा जी के जो मूर्ति होती है उनके पंडाल की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं और गोरखपुर में लगभग सैकड़ों मूर्तियां बनती हैं, उसी हिसाब से पंडाल की भी तैयारियां होती हैं। तो अभी हम लोग जो हैं भरत मिलाप चौराहे पे हैं, यहाँ पे भी एक बहुत ही बड़ी दुर्गा जी की मूर्ति बैठती है और जैसे आप ऊपर देख सकते हैं कि पंडाल बनाया जा रहा है, कारीगर पंडाल की तैयारियां कर रहे हैं और इसमें खास बात ये होती है कि इसकी जो बांधते हैं कील और एक प्रकार की जो इसमें कहीं भी रस्सी का प्रयोग नहीं होता है, जो भी केसरिया कपड़े होते हैं उसको ही फाड़ कर ये लोग बनाते हैं और सुरक्षा का विशेष ध्यान दिया जाता है ताकि कोई आंधी आए फिर कुछ ऐसे मौके पर गिरे नहीं। बिल्कुल एक तरीके से इसमें एक साइंस का भी एक इसमें प्रयोग किया जाता है, जैसे जहाँ पे बड़े बड़े पिलर पुल होते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रायंगल शेप में दिया गया है ताकि पंडाल का पूरा वेट आपका ये ट्रायंगल शेप में और डिवाइड हो जाए ताकि वेट जो है आपका इस ट्रायंगुलर शेप में, जैसे ओवरब्रिज होते हैं इस टाइप से बनाया जाता है और कारीगर ऊपर चढ़े हुए कारीगर अपना काम कर रहे हैं तो आपको पूरे इस समय शहर भर में पंडाल दिखेंगे। और ये कुछ कारीगर तो आपके यहीं गोरखपुर के होते हैं, बाकी जो बड़े पंडाल होते हैं वो कारीगर बाहर से जैसे कोलकाता से हो गए या फिर आपके लखनऊ कानपुर से आते हैं। तो ये तो रही अभी ये अधूरी है, इसके बाद जब ये सजावट हो जाएगी, इसके ऊपर कपड़े लगेंगे, फिर इसकी लाइटिंग से सजावट होगी और फिर ये आखिरी में भव्य रूप ले लेगा। अगर ये वीडियो देख रहे हैं बाहर से तो गोरखपुर आइए, आपको इस समय जगह जगह मिलते हैं दिखने मिल जाएगी। तो अभी हम लोग चलेंगे जहाँ पे मूर्ति बन रही है, कैसे मूर्ति बनाते कलाकार वहां पे चलते हैं। नमस्कार। तो अभी हम आ गए हैं जो गोरखपुर के बहुत ही प्रसिद्ध मूर्तिकार विजयपाल जी के यहाँ और यहाँ पे गोरखपुर में ये कई पीढ़ियों से मूर्ति बना रहे हैं और इनकी मूर्ति जो है गोरखपुर में लगभग पूरे शहर में जाती है। तो जैसे पीछे आपको दिख रही है कि कुछ मूर्तियां तो अभी अधूरी हैं, बन रही हैं और कुछ मूर्तियां लगभग तैयार हो चुकी हैं। तो भी हम आपको बता दें कि एक दुखद समाचार है कि अभी विजयपाल जी नहीं रहे, तो उनके जो लड़के हैं उनसे हमारी बात होगी, पूरी डिटेल बताएंगे कि कैसे वो लोग आते हैं, मूर्तियां कैसे बनाते हैं, फिर बिक्री कैसे होती है, क्या कितना टाइम लगता है, कलर कहाँ से आता है, कपड़े कहाँ से आते हैं, ये सारी जानकारी आपको एक एक विस्तार से देंगे और आप वीडियो में बने रहिएगा, देखिएगा। और अगर वाकई ये हम लोग की जो मेहनत है पहुँचाने की वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने भी बहुत सारे दोस्त यार को भी दिखाइएगा। अभी आपको हम सारी एक एक बाई जानकारी देंगे कि मूर्ति बनती कैसे, बांस कैसे कटती है, फिर उसके कलर कैसे किया जाता है और एक मूर्ति बनने में पूरी टाइम कितना लगता है, लागत कितना लगता है, पूरी की पूरी आपको डिटेल से जानकारी देंगे, आप वीडियो में बने रहिएगा। जैसे अभी दर्शकों हमने बताया था कि श्री विजय पाल जी के बाद उनके पुत्र श्री सुजीत पाल जी सारा देख रेख कर रहे हैं और इन्हीं की देख रेख में सारी मूर्तियां गोरखपुर में जा रही हैं और ये एक बहुत बड़ा ही एक तरीके से कह लीजिए यहाँ पे मूर्ति का व्यापार होता है, मूर्ति बनती है, ऑर्डर लिया जाता है और सदियों से आ रहा है। तो अब ये सारा का सारा जिम्मा अपने कंधों पे सुजीत जी लिए हुए हैं और ये हमको जानकारी देंगे कि मूर्तियां बनती कैसे है, ऑर्डर कैसे लिया जाता है और कितनी इनकी टीम है, सारी सब कुछ जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम सुजीत जी को अपने चैनल में बुलाते हैं और आपका स्वागत करते हैं। सुजीत जी थोड़ा सा हमको जानकारी दीजिए। हाँ, हम जो है पापा को साथ आज 18 साल से आ रहा है गोरखपुर, वही पापा को साथ काम सीखा है, वही पापा एक्सपायर करने के बाद जो है हम ही बना रहे हैं, अभी जिम्मेदारी हमारा ऊपर ही पड़ गया, हम 8-10 आदमी ले आके जो है इधर काम शुरू करता है जी। हमारा काम, हम जो है 4 महीना दुर्गा जी का काम चलता है हमारा, मतलब जो है यही आदमी लोगों को सब तंखा उनका दे के यहाँ का सामान वामान खरीद करके हम मूर्ति बनाते हैं, जमीन किराई पर लेके यही सब हम काम करता है। ऑर्डर मिलता है मतलब कस्टमर आके पसंद करता है, जिस तरह का बोलते हैं हमको उसी तरह बनाना पड़ता है, जो जैसे फोटो ले आते हैं जो जैसे बोलते हैं उसी तरह बनाना पड़ता है। इसमें मटेरियल खर्चा बहुत पड़ जाता है, लेकिन अभी जो है उतना नफा नहीं है, लेकिन बिजनेस चल रहा है इसी तरह कैसे चला रहा है। अभी तक लॉकडाउन का बाद से जो है हम लोगों का बहुत घाटा चल रहा है, काय को मूर्ति पहले जो दाम था अभी उसका आधा हो गया।
लेकिन क्या करेंगे, बंद करके क्या करेंगे, अभी चल रहा है इसी तरह चलाने दे रहा है, एक साल तो फिर बारेगा, यही चक्कर में हम लोग चला रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ अभी नफा नहीं हो रहा है। तो आपकी जो कला है कि इसमें नहीं, ये हमारा कला है, ये जो मेन कलाकार हम ही है, हम ही काम करता है, हम मेंटेन भी करते हैं, काम भी करते हैं, पूरा जिंदा बड़ा मूर्ति जो काम हम ही करते हैं, गोल घर वाला बड़ा मूर्ति का काम हम ही किया है, लालतपुर वाला बड़ा मूर्ति का काम हम ही किया है, वो भी आदमी सब है, सबको लेके जो है मिला जुला के काम कर लेते हैं। इसमें जो है हम मालिक भी है, काम भी हम करता है, बिना काम से जो है इसमें पैसा उठेगा नहीं। इसमें जो है हमारा मेटेरियल खर्चा बहुत हो जाता है, चार महीने में बहुत मेटेरियल खर्चा है, जमीन का किराया है, बिजली रिचार्ज वाला बिजली है, लेकिन क्या करा जाए, करना पड़ेगा, कोई दूसरे को पास काम नहीं ना करने जाएंगे, इसलिए कर रहा है अभी। सुजीत जी, कहा जाता है कि कोलकाता के बाद दूसरा नंबर गोरखपुर में होता है जो मूर्ति, जहाँ पे बहुत ज्यादा बैठा है। गोरखपुर में दुर्गा जी ज्यादा बैठता है, बंगला में जो है दुर्गा जी ढंग से बैठता है, एक ही मतलब एक ही कॉलोनी में एक ही दुर्गा जी बैठेगा, और ये पूरा का पूरा श्रेय जाता है आप लोग जैसे कलाकारों के ऊपर कि गोरखपुर का नाम हो रहा है, कि गोरखपुर में मूर्तियां इतनी ज्यादा बैठ रही है। और हम लोग चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग अपनी कला को जिंदा रखिए और इस पीढ़ी को बढ़ाइए आगे। अरे हम लोग तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ का जो है अभी आदत हो गया, जो जैसे बोलेंगे हम लोग का तरीका से काम नहीं चलता है, हम लोग का बंगाल में जो इसी तरह तरीका से काम नहीं चलाता है, लेकिन कस्टमर को मान है, जो हमको यही चाहिए, हमको यही करना पड़ रहा है, पैसा देंगे वो काम उसकी उसी का तरफ करना पड़ेगा, नहीं तो जो है बेकार है। हम लोग का मूर्ति में जो है जिस तरफ का दुर्गा जी बनाएंगे उस तरीका हिसाब से दुर्गा जी का साइन मूर्ति उसी हिसाब से छोटा करना पड़ता है, दुर्गा जी नाप से बनाना पड़ता है, लेकिन इन लोगों का जो है हाइट का चार्ज ज्यादा है, इन लोग जो है 18 फीट 20 फीट होगा इन लोगों का अच्छा लगेगा, उससे कम रहेगा इन लोगों का अच्छा नहीं लगेगा, यही बात है, इसीलिए हम लोगों को हाइट बढ़ाना पड़ रहा है, हम लोगों को जो काम करना पड़ेगा, क्योंकि इन लोग पैसा देंगे, इन लोगों का माफी काम करना पड़ता है। सुजीत जी, थोड़ा सा हमको अपने टीम से मिलवा दीजिए, कौन कौन टीम में मेंबर्स लोग हैं, क्या क्या काम चल रहा है, थोड़ा सा दिखवा दीजिए। जी, ये भी हमारा कलाकार है, इसका नाम सुप्रोपाल है जी। अभी ये देखिए यहाँ पे वस्त्र पहना रहे, कार्तिक भगवान है, कार्तिक भगवान को वस्त्र पहनाने का काम सुब्रतपाल जी कर रहे हैं, और ये सारे टीम के मेंबर ही हैं, इनका काम वस्त्र पहनाना नहीं, ये सारा काम करता है, आग भी बनाता है, कपड़ा भी पहनाते हैं, पुआल भी बनते हैं, मट्टी भी चढ़ाते हैं, सारा काम ही करता है। मतलब इसमें जितने भी आपके आर्टिस्ट कलाकार हैं सभी ऑलराउंडर होते हैं, सब ऑलराउंडर है, उसी के बाद जो है कुछ और दो तीन तो जो है एक खाना बनाता है, एक बांस उसका काम करता है, यही सब अलग है, बाकी सारा आदमी है हमारा काम करने वाला। अच्छा सुजीत जी, ये बताइए जो मटेरियल लाते हैं मिट्टी के अलावा या जो बनाते हैं वो सब कहाँ से आपका? मिट्टी पुआरा कांटी बांस सब गुरुपुर से लेते हैं, बाकी जो है जेवर और जो है हम लोग बंगाल से ले आते हैं, कपड़ा वपड़ा जो है यहीं का लेते हैं, पूरा सामान वहीं से नहीं ना ले आ पाता है, उसके बाद जो पेटुआ है रस्सी है सब गुरुपुर से लेते हैं, और साज मतलब जो जेवर सिंगर उंगर लगता है वो सब हम लोग बंगाल से ले आते हैं, बाकी बाल उल कपड़ा उपड़ा हैन तैन जो लगेगा सामान मटेरियल खर्चे सब यहीं से करते हैं, लेकिन पीओपी का जो है गोरखपुर में नहीं चलता है, अभी धीरे धीरे चलने शुरू हो गया, पीओपी जो है विसर्जन आपको नहीं होता है, क्योंकि उसमें जो है गंगा नदी जो है आपको भर जाएगा, इसमें मट्टी का तरफ जो गलेगा नहीं वो तो पूरा ऐसे ही रहेगा, मतलब जो भर जाता है, इसीलिए पीओपी का हम लोग नहीं बनाते, हम लोग मट्टी का ही बनाते हैं। बहुत अच्छी बात है कि आपके यहाँ बहुत सारी मूर्तियां बन रही हैं और इस कला को आप ऐसे ही चलाइए, धीरे धीरे आपके भी जो भी पापा का आशीर्वाद से चल रहा है, लेकिन हम भी 18 साल से पापा का साथ ही आया है, उसके बाद पापा अगले पिछले साल जो है एक्सपायर कर गया, उसी बाद हमारा ऊपर जिम्मेदारी पड़ गया, हम ही बना रहे हैं, यही 8-10 आदमी लिया है, और 2 आदमी है अभी आँख बनाने गया दूसरे जाएगा, हमारा 10 आदमी है, 10 आदमी लेकर हम 45 तो मूर्ति बनाया है। तो टोटल कितनी मूर्तियां आपके? मूर्ति का हम बनता था 80-85 तो मूर्ति बनता था, लेकिन हमारा अभी जो है लॉकडाउन की वजह से जगह भी कम हो गया, शहर का अंदाज है, इसी वजह से जो 45 तो मूर्ति बनाया, 45 मूर्ति ऑर्डर था, लेकिन हम बना नहीं पाया है, जगह नहीं है हमारा पास, रोड में नहीं ना बनाने देंगे कोई, रोड भी है प्लस आपको बारिश भी देखना, बारिश भी देखना पड़ता है, लेकिन इसी वजह से बाहर नहीं बनाया है, छादन का अंदर जो हुआ है उसे नहीं बनाया है। और इसमें क्या जैसे इसके बाद फिर लक्ष्मी जी, इसके बाद जो है लक्ष्मी जी बनाते हैं,
लक्ष्मी जी, गणेश जी, इसके पहले गणेश जी, गणेश जी था इसके पहले, उसके बाद राधा कृष्ण भी था, लेकिन राधा कृष्ण ज्यादा नहीं बैठता है, दो एक तो बैठता है, बाकी गणेश जी बैठता है बहुत, गणेश जी बैठता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, आप अपने कलाकारी को जिंदा रखिए, और हम लोग चाहेंगे कि आप गोरखपुर में हमेशा आए, बार बार आए, और आप भी ऐसा मत कभी करिएगा कि हम नहीं, चल रहा है इसी तरीके से, पापा 52 साल से कर रहे थे, तो पापा का जो है स्थिति अभी तक बना रहे हम, पापा जो है बचपन से ही आया था, यहाँ भी गुजर भी गया है, लेकिन वही हालत से हम भी चला रहे हैं, जो पापा का जो है बना हुआ है, इसीलिए हम भी बना रहे हैं, लेकिन इसमें अभी कुछ है ही नहीं, सब खत्म हो गया। एक मूर्ति में जो है देखिए 20,000 रुपया का मूर्ति में हमको 5,000 रुपया 7,000 रुपया जेवर बनाने के बाद, इसको मेहनत करने के बाद, ये भी कस्टमर का ज्यादा पैसा हो गया, लेकिन क्या बचेगा इसमें, आदमी 10 आदमी का खाना जाना, गाड़ी का किराया, उसके बाद तंखा, एक एक आदमी का एक एक किस्म का तंखा है, किसी को 60,000 है, किसी को 45,000 है, किसी को 35,000 है, इसी तरीके से तंखा। तो कुल मिला के एक तरीके से जो अभी मूर्ति का जो आपका कारीगरी है, व्यापार है, वो थोड़ा सा डल दिखता जा रहा है, डल दिखते जा रहा है, तो पहले था लेकिन अभी जो है कुछ नहीं है, 4 महीना काम करने के बाद हमको 1,00,000 रुपया। लेकिन सुजीत जी ये बताइए, अभी तो जैसे कंपटीशन हो गया, मूर्तियां बहुत ज्यादा बड़ी है, बड़ी है गोरखपुर में, तो फिर उस हिसाब से डिमांड भी तो बड़ा है। हाँ, बड़ा है, इसी वजह से डिमांड ज्यादा हो रहा है, लेकिन बड़ा मूर्ति बनाने में रिस्क ज्यादा होता है ना, हम बड़ा मूर्ति बना रहे हैं, उसका काम करने में दिक्कत ज्यादा है, उसका डिलीवरी करने का टाइम रिस्क ज्यादा है, उसको मूर्ति जाने का टाइम जो है, हमारा पेड़ है, रोड में तार है, सब संभालना पड़ता है, इसीलिए इसको दिक्कत ज्यादा है, छोटा मूर्ति कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन यहाँ का कस्टमर अभी बड़ा मूर्ति का डिमांड ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है। जैसे दर्शकों, गोरखपुर में क्या है कि बड़े मूर्ति का जो डिमांड चलन बहुत जाते है, आप चाहे गोलघर काली मंदिर का हो या फिर कहीं का भी हो, देखिए जहाँ पे बड़ी मूर्ति है वहाँ पे भीड़ भी आपको ज्यादा मिलेगी, भीड़ भी ज्यादा मिलेगी, और छोटी मूर्तियाँ तो अनगिनत यहाँ पे बैठती है, उनका कोई गिनती नहीं है, शहर और गाँव को लेकर छोटी मूर्तियाँ तो बहुत ज्यादा है, लेकिन शहर में मेन मेन मूर्ति जो है बड़ा मूर्ति बैठते हैं। चलिए, बहुत अच्छा जानकारी दिया हमारे दर्शकों को, और दर्शकों आप देखिए कि जो मूर्ति आप देखने के लिए जाते हैं दशहरे में, नवरात्रि में, और ये सुजीत जी की मेहनत है, और इन्हीं की मेहनत की बदौलत ही आप 9 दिन की व्रत रख पाते हैं और मूर्ति देख पाते हैं, तो एक इन सभी कलाकारों के लिए एक ताली बनती है, और आप लोग भी आशीर्वाद दीजिए कि ये बार बार आए, गोरखपुर आए, ऐसे हम लोग को अच्छी अच्छी मूर्तियां देने। धन्यवाद सुजीत जी हमारे चैनल से बात करने के लिए। और अभी ये एक मूर्ति आपके सामने है, ये बहुत बड़ी है, लगभग 10 फीट से ऊपर है, ये 12 फीट से ऊंचाई है, और ये लगभग चौड़ाई इसकी 20 फीट के आसपास ही जाएगी। इसमें सारे गणेश जी, लक्ष्मी जी, कार्तिकेय और जो भी राक्षस शेर वगैरह है, पूरी चौड़ान आप देख सकते हैं कि ये भी इतनी जबरदस्त कलाकारी है कि वाकई एक एक जो चीजें हैं, उंगली है, उंगली में जो नाखून है या फिर जो भी है, कितनी सही तरीके से इसमें किया गया है, ये हम लोग तो अभी पास से देखा जा रहा है, जब ये दुर्गा पूजा होगा उसमें तो इतने पास करीब नहीं जा पाएंगे, भीड़ रहेगी, लेकिन आप लोग साक्षात देखिए कि कैसे बनाते हैं, एक एक चीज इसमें उकेरा गया है, इवन जो भी हार वगैरह है सभी मिट्टी का ही यूज किया गया है, अब इसको कलर किया जाएगा, आप देखिए अपने स्क्रीन पे, ये कुछ आपको बिल्कुल एकदम नया अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा होगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हमारे एक दादा हैं, ये बांस की फट्टियों को काट रहे हैं, जैसे ये अभी बांस, खड़ी बांस होती, कच्ची बांस होती है, काटते हैं, काटने के बाद एक पहले स्ट्रक्चर तैयार होता है दादा, जो हाँ स्ट्रक्चर तैयार होता है, उसके सहारे ही सारी मूर्तियां खड़ा होता है, तो ये तैयार करने में एक कितना टाइम लग जाता है पूरा? वो लक्ष्मी के बने का 10-15 दिन का काम है जी।
पास्ता होगा। तो ये साइज के हिसाब से कोई मूर्तियां, सबसे बड़ी साइज कितनी बड़ी होती है मूर्ति की? लक्ष्मी जी 10 फीट होगा, 10 फीट का होगा, 10 फीट 7 फीट होगा। तो उसी हिसाब से बांस की पट्टी तैयार करते हैं आप? वो 6 फीट 7 फीट ढांचा बनेगा जी, पूरा बन गया। हाँ, तब से होगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।